वैसे शाकरा तुमने ठीक नहीं किया। क्यों, लड़के वालों ने कुछ कहा? नहीं, शरीफ लोग हैं। और नाजमा, अरे वो बेचारी तो जैसे चुपकी लग गई उसको। खैर भाई, जिस घर जाना नहीं उसका पता क्या पूछते फिरे। लो ये भी खूब कही, अरे तो पहले बता देती ना, मुझे तो शर्मिंदा करवा दिया तुम लोगों ने। तो तुम्हारी शर्मिंदगी के पीछे अपनी बेटी को जहन्नम में झोंक दूं क्या मैं? हाँ हाँ, सब कोई अपने घर के सगे होते हैं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा मैं तुम्हारी बेटी का कोई रिश्ता नहीं बताऊंगी। वैसे भी तुम लोगों के तो ऊंचे दिमाग है। जरूरत भी नहीं पड़ेगी आसिया, अरे मेरी सूफिया का तो पहले ही बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया हुआ है, लड़का बहुत पढ़ा लिखा और लाखों में एक है। हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है शाकिरा बहन, अरे मुझे तो पहले ही अंदाजा था, कोई आसरा होता है ना तभी लड़कियां इतना मुंह खोल के शादी के लिए जवाब दे देती हैं। अब अच्छा तुम ये अब कपड़े रखो ना, दे देना किसी को, ठीक है ना? आप ही, आप सच बताएं क्या आप समझी मेहरूबाजी का पूना, आपने मेहरूबाजी बोल भी दिया। फल्ला जेबू, तुम तो एक बात के पीछे पड़ती हो तो पड़ ही जाती हो भाई। हाँ इस वक्त आप ही का ही तो फोन आता है तो मैं समझी आप ही का फोन है, मैंने उठा लिया। अच्छा ना, खैर ये तो बताए क्या बात हुई आप दोनों के बीच में? एक बात तो तय, वैसे तो यह बहुत रोमांटिक। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? आपके बारे में, आपके अंदर तो लगता है बुढ़ी औरत की रूह घुसी हुई है, और आपने जरूर उनसे बात नहीं की होगी, है ना? बिल्कुल ठीक समझी हो तुम, और अब वो फोन ही करेंगे। हाफी, आपको कौन समझाए? आपको पता है मंगनी और शादी के दरमियान का टेम्पलेट कितना रोमांटिक होता है? शादी के बाद ये दिन याद आएंगे आपको, फिर आप कहेंगे कि जेबू मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे पहले बता देती। यही तो प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन के साथ, जो काम पहले करने चाहिए वो हम बाद में करते हैं, जो बाद के काम होते हैं वो हम पहले कर लेते हैं, तभी तो इतने मसले मसाइल इस जनरेशन में। आप कोई नहीं समझा सकता, सीरियसली मैं भी नहीं। पता नहीं आपने वैसे वैसे क्या क्या दिया होगा, कहीं ना गुस्सा ना आ गया। मैं उन्हें खुद फोन करूंगी और उनसे माजरत भी करूंगी। मुझे तो नहीं लगता कि उनको बुरा लगे, मुझे तो काफी समझदार लगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फौरन समझ गए, तुम्हारी तरह नहीं। समझदार, समझदार है ना आप ही, समझदार ना? क्या बकवास है ये? क्या हुआ? इतनी मिर्चें? तबीयत ज्यादा खराब थी तो शायद दो दफा पड़ गई होंगी मिर्चें, तो ये दही के साथ खा लेना। नहीं खा रहा, मुझे खाना हटाओ ये सालन। मैं पानी लेके बैठी रहे यहाँ पे, मैं खुद ले लूंगा। ये भाई को गुस्सा किस बात का है? अगर लड़की वालों ने रिश्ता नहीं किया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मुझ पर गुस्सा, आप पर गुस्सा, आखिरकार ये भाई चाहते क्या है? मैं तो कह रहा हूं जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, भाई जैसे जल्लाद के साथ कौन लड़की रहना चाहेगी भला। लेकिन अम्मी बहुत जबान चलने लगी है। बहुत हो गया वसीम, समझदार बड़े भाई हाथ उठाया होगा, तेरे बाप की जगह है। लेकिन अम्मी वो मेरा मरा मुंह देखेगा अगर हाथ उठाए तुम्हें। क्या हो गया तुझे सलीम? मुझे क्या होना है? बेटा तू फिकर ना कर, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी, ऐसी लड़की कि दुनिया उसे देखती रह जाएगी। और बस कर दे अम्मा, बस कर दे, तेरी ना बस बातें ही होती है। अरे वाह, बातें क्यों, मैं सच करके दिखाऊंगी, तुम देखना। तेरा दिल बुरा हो रहा है ना बेटा, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? देख वो खाला आसिया कहती है कि अल्लाह के हर काम में मसलहत ही होती है। कुछ बुरा बुरा नहीं लग रहा मुझे, मैं तो पहले से इस चीज के खिलाफ था, ये तो तेरी जिद थी इसलिए बस चुप कर गया तेरे सामने में। अच्छा ठीक है ना, तो फिर मेरी खातिर सही थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। मैंने आसिया खाला से कहा है कि तेरे लिए बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढे, चलो पढ़ी लिखी ना हो। नहीं अम्मा, शादी तो मैं अब पढ़ी लिखी लड़की से ही करूंगा, पढ़ी लिखी हो या जाहिल, औरत तो औरत ही होती है ना।
बस भाई साहब, खुशी की खबर मिली तो मुझसे तो सबर ही नहीं हुआ। अरे कंपनी जो फैसल को घर देने वाली थी वो घर मिल गया है। अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत घर है। आपकी बेटी राज करेगी राज। ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहन, बात असल ये है कि मेरी तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ रहती है कि परवरदिगार दोनों बच्चों का नसीबा अच्छा करे और आइंदा जिंदगी वो इसी तरह से हंसी खुशी गुजारे। हाँ जी, बस इनको अपनी नई जिंदगी खुद ही बनानी है। वालदैन तो बच्चों के साथ थोड़ी बहुत ही सपोर्ट कर सकते हैं। आप सही कह रही हैं बहन, बच्चे चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, उनको हमेशा वालदैन की दुआओं की और उनकी रहबरी की जरूरत होती है। माशाल्लाह हुमायूं साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। अरे सुनिए भाई साहब, को वो तस्वीरें तो दिखाएं जो फैसल ने अपने घर की बनवाई है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए, ये देखिए हुमायूं साहब, मकान की तस्वीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत घर है और कितना कुशादा और बड़ा है भाई। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत मुबारक। आप अभी तो ये घर खाली है भाई साहब, जब आप सेट करवाएंगे ना तो इसकी शान भी और होगी। और देखिए भाई साहब, इस घर को इसकी शायाना शान सजवाइएगा। जी, क्या कहा आप? माफ कीजिएगा, मैं समझा नहीं सही तरह से। अरे मैंने कौन सी ऐसी मुश्किल पहेली पूछ ली है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा? सादा सी तो बात है, आप बेटी को जहेज देंगे ना तो इस घर के मुताबिक दे दें। नूर बेटी तो बहुत सुग्गर है, वो इस घर को अपने तौर पर सजा लेगी। हम जरा मुख्तलिफ टाइप के लोग हैं भाई साहब, हम चाहते हैं कि हमारी बहू अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंट गुजारे, अपनी मर्जी से घर सजाए, अपनी मर्जी से खाना पकाए। हम इसकी जिंदगी में टांग वांग नहीं अड़ाएंगे। वो तो सही है, मगर देखिए बहन, इस महंगाई के दौर में इतने बड़े घर को सजाना और फर्निश करना आसान काम तो नहीं है ना। अरे भाई साहब, आप तो अभी से परेशान हो गए, इतना बड़ा मसला भी नहीं है। हर इंसान अपनी बेटी को जहेज तो देता ही है ना। और कुल मिला के 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च और किचन का सामान ही तो है। अरे भाई साहब, टीवी, फ्रिज और एसी के अलावा भी आपको अब कुछ देना पड़ेगा। क्या आप समझ तो रहे होंगे, जनरेटर। बिल्कुल सही हुआ साहब, आजकल के बच्चों को आराम जरूरी देना है और वो जनरेटर से ही मिलता है। जब आप लेने जाएंगे तो मुझे भी साथ ले लीजिएगा। कहीं सादगी से आप चाइनीज मेक ना खरीद लें, ये 2 दिन चलता है बस, तो इंशाल्लाह जैपनीज मेक खरीदेंगे। आना है तुम लोगों ने? अम्मी ने फिर से आसिया खाला को मेरे रिश्ते के लिए कहना शुरू कर दिया है। आना है तो जल्दी आओ। हाँ हाँ आएंगे, तुम फिकर क्यों करती हो? अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए जरा देर हो गई, वरना भाई ने तो पूरे घर में जल्दी का शोर मचा रखा है। ओह, आई एम रियली सॉरी। अब कैसी तबीयत है आंटी की? बेहतर है, मैं तुम्हें जल्द बता दूंगी। ओके, मुझे इंतजार रहेगा। और बताओ क्या हो रहा है? ये लीजिए जनाब, आपकी अदरक वाली चाय। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। सच बोलो, बीवी हो तो तुम जैसी, बिना कहे बिना बताए तुम्हें पता चल जाता है मुझे क्या चाहिए। अदनान, एक बात कहूँ? हाँ कहो। अदनान, आज मैंने अब्बू से बात की, कुछ परेशान लग रहे थे। अल्लाह खैर करे, क्या बात है? तुमने पूछा उनसे? पूछा था लेकिन उन्होंने बताया नहीं, टाल गए। लेकिन मैं उनका हर अंदाज पहचानती हूँ, वो परेशान जरूर थे लेकिन बताना नहीं चाह रहे थे। देखो मेरे साहब, अभी घर में सोफिया को लेके बहुत टेंशन चल रही है, और अगर अभी तुम
घर जाने की बात करोगी तो अम्मी बहुत चिल्लाएंगी। चलें ठीक है छोड़े, मैं नूर को बोलूंगी, वो मालूम कर लेगी। हाँ लेकिन तुमने मुझे भी तो टेंशन डाल दिया ना अंकल की टेंशन बता के। एक काम करें, अगर तुम बोलो तो मैं अंकल से बात करूँ। नहीं अदनान प्लीज, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, आप उनकी अना को तो जानते हैं ना, वो दामाद के सामने कभी नहीं खुलेंगे। ये बात भी ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम सुबह तैयार रहना, मैं अम्मी के सामने कोई बहाना मारने की कोशिश करूंगा। अदनान आप कितने अच्छे हैं और मैं आपको कितना तंग करती हूँ। बस ठीक है, आई लव यू टू। ये तो आपने बहुत परेशानी की बात बताई है अबू, फैसल के घर वाले तो बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए लगते थे, लेकिन निकले वही रिवायती जहेज के तलबकार। बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनकी फरमाइश सुनकर तो मेरा दिमाग माऊफ हो गया है। परेशान हूं कि ये सब कुछ होगा तो कैसे होगा। अबू आप साफ साफ मना कर दें, और कैसे करेंगे आप फैसल का फ्लैट फर्निश? फ्लैट फर्निश करने का मतलब है पूरे घर को सामान से भरना, कैसे करेंगे ये सब आप? हम तो वही जहेज देंगे जो हमारी हैसियत है। मैं कैसे इंकार कर दूं? अगर वो लोग ना माने तो देखो ना, पूरे खानदान में मिठाई बढ़ चुकी है, सबको नूर की मंगनी की खबर हो चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद ना मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इस बात से फिर जाऊं और बात को खत्म कर दूं। तो वो आप क्या करेंगे? मैंने सोच लिया है, मैं इस मकान को गिरवी कर दूंगा। अबू आप क्या कह रहे हैं? एक ही तो घर है आपके पास जो कि वाहिद जायदाद है, उसे भी आप रिस्क पर लगाना चाहते हैं, जेब का क्या होगा? बेटा इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है, रही जेब की बात तो इंशाल्लाह जब जेब का वक्त आएगा तो कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे अपनी रब की जात पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप भी परेशान मत होइए। नहीं जेबू मैं ठीक कह रही हूँ, अब्बा जब से फैसल के घर से आए ना कुछ परेशान से लग रहे हैं, और देखो ना आप ही भी आज सुबह सुबह आ गई हैं, उन दोनों के बीच में कोई डिस्कशन हो रहा है। आप ही वहम ना करें ना, और जरूरी थोड़ी है कि अब्बा की परेशानी की वजह आपके ससुराल से रिलेटेड हो। लेकिन मेरी छठी हिस्स तो वहीं जा रही है। अच्छा ना ठीक है, मेहरूबाजी तो आ गई है ना, मीटिंग खत्म होते ही आप मेहरूबाजी से पूछ लीजिएगा। किधर रख दिया रबर बैंड जेब? ये रहा ना, आप भी जल्दी बांध दें यार, देर हो रही है। अच्छा पापा दो मिनट, चलो चलो मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा आप भी मेरे जाने के बाद परेशान मत होइएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम्हारी साइड से बाल सारे खराब हो गए, हाँ हाँ देखेंगे। इतने सारे काम करने हैं, दुपट्टा डाई करवाना है और कई ड्रेस लेने हैं। आप ही अब्बा ने क्या कहा? नूर अब्बू कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम क्यों फिक्र करती हो? क्या कर लेंगे, मुझे भी तो पता लगे। अब्बू ने सोचा है कि वो मकान गिरवी रखते हैं। ये मकान? नहीं आपी, ऐसा नहीं हो सकता, आप अब्बा को मना करें। अब्बू जो कुछ भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, तुम खुद को हलकान ना करो। नहीं आपी, आपको अब्बा को समझाना होगा। मैं सिर्फ वही लेके जाऊंगी जो अब्बा आसानी से दे सकते हैं, और अगर फैसल के घर वाले मना करते हैं तो आप ये रिश्ता तोड़ दें। नूर ये तुम क्या कह रही हो? इतनी बड़ी बात तुमने अपने मुंह से निकाली कैसे? कितनी बेइज्जती होगी ये सोचा है तुमने?
और जिन लड़कियों की मंगनियां टूट जाती हैं उनके लिए दोबारा अच्छा रिश्ता आना मुश्किल हो जाता है। आप इधर हैं, बैठे। फैसल के घर वालों की कोई भी नाजायज फरमाइश के लिए मैं ये घर गिरवी नहीं रखवाने दूंगी। और रही बात रिश्ते की, तो क्या हमें पता था कि यहाँ से रिश्ता आने वाला है? नहीं ना, तो फिर उन बातों पे परेशानी लेने की क्या जरूरत है जो हमारे हाथ में ही नहीं है। ये तो सब अल्लाह ताला के हाथ में है ना। तुम अपना फलसफा बंद रखो और चलो मेरे साथ। आप भी, मैं नहीं जाऊंगी। और क्या आपने दो मिनट के लिए ये सोचा है कि अगर अब्बा मुझे इतना सब कुछ दे देंगे तो आपके लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी? शाकरा आंटी तो आपका जीना हराम कर देंगी। कुछ नहीं होगा मुझे, मेरी फिक्र मत करो तुम। मैं आपकी फिक्र ना करूं? क्या मुझे नहीं पता कि आपके ससुराल में आपकी जिंदगी कितनी मुश्किल है? मैं आपकी मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहती। कोई मेरी मुश्किलात में इजाफा नहीं होने वाला है। चलो अब देर हो रही है, हमने बाजार जाना, इतने सारे काम करने, चलो ना। अल्हम्दुलिल्लाह। एक कप चाय मिल जाएगी? आपके बड़े मजे हैं भाई, जब दिल चाहा ऑर्डर कर दिया, एक कप चाय मिल जाएगी। ये कोई होटल नहीं है कि आपकी खिदमत में हर वक्त एक बैरा जो है वो मामूर हो। एक कप चाय के लिए इतनी लंबी तकरीर, मुझ जैसे बदनसीब को ही सुनने के लिए मिल सकती है। अल्लाह ताला आपके हाथ पे सलामत रखे, घर में जवान बेटी है, बहू है, बहू से कहते हैं आप? बहू साहिबा तो घर पे है नहीं। आजकल बहन की शादी की शॉपिंग के लिए हर रोज मैके पहुंच जाती हैं। फिर तो बेगम आपको अपने हाथ पैरों को जहमत देनी होगी, अब वैसे भी काम करने से हिम्मत आती है। वो सूफिया से बात हुई आपकी? हाँ, वो आएंगे वो लोग। कब आएंगे वो, कौन से दिन, कौन सी तारीख? भाई आ जाएंगे जल्दी, भी क्या है। आप भी खूब है शाकरा बेगम, भाई पहले आपको जल्दी थी, अब आप ही कह रही कि जल्दी क्या है। बेहतर है कि मैं उठ के चाय बना लूं, आप तो जरा पे जरा किए चले जाएंगे। अच्छा ये तो बताएं कि बहनों कब आ रही? मुझे क्या पता कब आ रही है, प्रेमिया को बताकर गई है एक दो रोज में आ जाएंगी। बहन की शादी की तारीख जो पक्की होनी है इनकी। मैं तो अखबार पढ़ना शुरू कर दूं, चाय का तो कुछ नहीं कह सकते। ओए हाय, ये लड़का, इसका क्या करूं मैं? बीवी आएगी वही ठीक करेगी। ओ मानो, ए मानो, चल इधर आ जल्दी से झाड़ू और झाड़न लेके। मानो, कोई चीज भी तो ढंग से नहीं रखी। ये लीजिए भाई साहब सामान की लिस्ट। मैं समझा नहीं भाभी, है कौन से और कैसे सामान की लिस्ट है? अरे भाई साहब अब आपको आसानी होगी, इसी के मुताबिक शॉपिंग कीजिएगा। मेरे बेटा आप देखिए जरा लिस्ट। मेरा बेटा लाखों में एक है, तो सामान भी आला क्वालिटी का होना चाहिए। टीवी, एसी, फ्रिज, गाड़ी। आंटी इतनी बड़ी लिस्ट, इतना सब कुछ कैसे होगा? मेरा मतलब है कि गाड़ी वगैरह। अरे गाड़ी बाद में आ जाएगी, बाकी के आइटम तो चाहिए होंगे ना। वैसे भी फैसल को अपना घर जो सेट करना है, और वैसे भी भाई साहब ये सब चीजें आपकी बेटी के ही काम आएंगी। तो फिर हम तारीख तय कर लें, इस महीने के आखिरी जुम्मे का दिन मुबारक रहेगा जी। आपने क्या कहा?
इस महीने का आखिरी जुमा। एक मिनट अब्बा, मैं कुछ कहना चाहती। नूर तुम अंदर जाओ, अबू बात कर रहे हैं ना? नहीं आप, अगर आज मैं अंदर चली गई तो फिर दोबारा कभी हिम्मत नहीं होगी कि सबके सामने कह सकूं। हाँ हाँ बेटा, क्यों तुम कुछ कहना चाह रही हो? माफ कीजिएगा अंकल, पर हमारे अब्बा ने सारी जिंदगी हक हलाल की कमाई से हमारी तरबियत और तालीम की है। जो चीजें आप लोग मांग रहे हैं वो देने की सकत नहीं है मेरे अब्बा में। अरे बेटा, ये सब कुछ तो सभी के माँ बाप देते हैं। लेकिन मेरे अब्बा को आपकी ख्वाहिशात के लिए घर गिरवी रखना पड़ रहा है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे अब्बा और मेरी बहन के सर से ये छत महरूम हो। तो भाई साहब, ये सब बातें आप हमें पहले बता देते ना। हमें अंदाजा नहीं था कि आप लोग। बहरहाल, अगर आप लोग तालीम और तरबियत के बदले इन सारी चीजों के तलबगार हैं तो आप शौक से ये रिश्ता खत्म कर सकते। नूर, बेटा तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अब्बा। माफ कीजिएगा भाई साहब, आपकी बेटी बदतमीज और बदज़बान है, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। और मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं ऐसी घर में शादी करके जाऊं जहां आप लोग अपने बेटे की शादी नहीं बल्कि कारोबार कर रहे हो। या फिर मेरा ऐसा शौहर हो जो हक बात के लिए कुछ बोल ही ना सके। चलिए जावेद साहब, बहुत इज्जत अफजाई हो गई। वो तो शुक्र करें बर वक्त पता चल गया। तोबा तोबा, क्या जमाना आ गया है। चलो फैसल, ये आपकी अंगूठी। बात तो सुनो। मुझे माफ कर दीजिएगा अब्बा। अच्छा नहीं किया। लेकिन मुझे तो लगता है कि नूर ने बिल्कुल ठीक किया है। इस कदर लालची लोग हैं, अब ये कर रहे हैं तो ना जाने आगे क्या करेंगे ये लोग। और मैं तो नूर की इस बात से बहुत मुतासर भी हुआ। देखो, लड़कियों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो गलत बात को गलत कह सके। नूर ने जो किया अब भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। महरों ने सर, अब नूर ने ऐसा भी क्या कर दिया कि तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा? बल्कि मेरे ख्याल में तो उसने तुम लोगों को बचाया है। तुमने अच्छा नहीं किया।
बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब्बा मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर। क्या बात करती हो तुम, माफ करती? तुमने इतनी बड़ी बात बेधड़क उस सब के आंख के सामने कर दी, रिश्ता खत्म कर दिया, मंगनी तोड़ दी। नूर, मैं तुम तीन बहनों का बाप हूं, अरे किसी ना किसी तरीके से कुछ तो कुछ करके बंदोबस्त कर लेता, मगर नहीं, तुमने शायद मुझे लायक ही नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है अब्बा, आपने आज तक हमारे लिए जो कुछ किया वही हमारा सरमाया है, और अगर दुनिया को इस सरमाए की कदर नहीं है तो उनको यहाँ नहीं आना चाहिए ना। तुम बेटा, तुम नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती हो बेटा, लड़कियों के घर आए हुए रिश्ते को खत्म कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है बेटा। लोग एक मुंह में सौ सौ बातें बताएंगे। मैं जानती हूं अब्बा, लेकिन ऐसे लालची लोगों के साथ रिश्ता खत्म कर देना ही अकलमंदी की बात थी। अब आप मुझे खुद बताएं, आप कब तक उनकी लालच का सामना करते, कब तक उनकी फरमाइशें पूरी करते? ये सही तरीका नहीं था। पता है, लोग चाहे कितनी गलती क्यों ना करें, कोई अपनी गलती नहीं मानता है, वो हमेशा दूसरे को कसूरवार ठहराकर उनमें ऐब निकालते हैं। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि कोई मेरी बेटियों की तरफ उंगली उठाए या उनके उनके किरदार पे कोई हरफा है, कभी भी नहीं। मुझे माफ कर दीजिएगा आप, लेकिन मैं हक पे थी और हक की बात सबके सामने की जाती, उसमें झिझक कैसी? आपने हमें यही सिखाया था ना अब्बा, है ना? अब्बा क्या आप मुझसे नाराज हैं? तुमसे नाराज नहीं, लेकिन मैं तो अपने आप से शर्मिंदा हूं कि इस उम्र में मैं लोगों को परख नहीं सका, उनको समझ नहीं सका, जो समझा था वो वैसे नहीं निकले। इस सूरत हाल से मैं बहुत बहुत दुखी हूं। एक बड़े सदमे से बचने के लिए एक छोटा दुख बर्दाश्त कर लेना बेहतर है ना? तो आप दुखी मत हो, आप दुखी मत हो। ये कहीं से मुझे तसल्ली हो जी कि शायद जो कुछ भी हुआ है शायद रब की इसमें कोई हिकमत होगी, कोई बेहतरी होगी। तुम तो घर गई हुई थी, है? तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय होनी थी, शॉपिंग करनी थी, क्या हुआ वापस क्यों आ गई? खैर से क्या तारीख तय हुई? अम्मी वो तारीख तय नहीं हुई। वो क्यों? अम्मी वो नूर की बात खत्म हो गई, हमने बात खत्म कर दी। हाँ,
मंगनी करके खानदान भर में मिठाई बांट के खत्म कर दी। वो बहुत लालची लोग थे, जहेज की लिस्ट बना कर लाए थे। अब्बू तो ये सब नहीं कर सकते ना भाई। मैंने तो पहले ही कहा था कि देखभाल के बहन का रिश्ता तय करना। आखिर उनकी असलियत नजर आ गई ना। सारे लोग हमारी तरह तो शरीफ और मजेदार होते नहीं। सही बात है, हुआ बहुत बुरा। लड़की की मंगनी हो के टूट जाना अच्छा नहीं होता। लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं कि लड़की में क्या ऐप था, क्यों मंगनी टूट गई। अम्मी वो बात हमने खत्म की है। हाँ ये तो तुम कह रही हो ना, लोग का यकीन करते हैं इस बात का। आई बड़ी एमबीए लड़के से रिश्ता हुआ है। अरे ससुराल वालों ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। सुनो अदनान, तुम्हारी साली का रिश्ता टूट गया है। सुने भाई, बहुत ही पर्दे डालते हो तुम अपने ससुराल वालों पर। अदनान ने मुझे रास्ते बताया था, पर वैसे भी उसका रिश्ता टूटा नहीं है। अम्मी, मेहरू की बहन ने खुद रिश्ता तोड़ा है, क्योंकि उसके ससुराल वालों के मुतालबात कुछ बहुत अजीब से थे। हैं? यानी मेहरू की बहन ने खुद इनकार किया रिश्ते से? जी। तौबा तौबा, देखा आपने कैसी दीदा हवाई लड़की है भाई, अपने माँ बाप की इज्जत पे यूं भी कोई खाम डालता है। अम्मी मेरा ख्याल है कि उसने बिल्कुल ठीक किया है, उसने अपने बाप की इज्जत बचाई है। लो और सुनो। शाहकराब, तुम्हें तो कम से कम इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। भाई सबसे पहले इंसान को अपने घर की खबर लेनी चाहिए। एक बात बताए देती हूँ अदनान, अरे जो लड़कियां होती ना बहुत मुंह फट तुम्हारी साली की तरह, इनके रिश्ते फिर इतने आराम से नहीं होते, बल्कि होते ही नहीं है। हेलो नूर, फैसल बात कर रहा हूँ। देखिए फोन मत रखिएगा। नूर, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मैं अब ये सब कुछ करने वाले। मैं अब आपकी शर्मिंदगी का क्या करूँ? देखें, मैं अम्मी अबू को मना लूंगा, उन्हें समझा लूंगा मैं। आप एक मर्द हैं फैसल साहब, जब आपके माँ बाप एक नाजायज मुतालबा कर रहे थे तो आप उस मुतालबे के खिलाफ खड़े हो सकते, एहतजाज कर सकते थे, लेकिन तब तो आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। और अब आप कह रहे हैं कि आप उनको समझा लेंगे, मना लेंगे। मेरा ख्याल आप बहुत जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। हम मिलकर इस मसले का हल निकाल सकते थे। वक्त जब गुजर जाता है ना फैसल साहब, तो मसले का हल नहीं होता बल्कि मसाइल का अंबार लग जाता है। और मुझे अपने आप को या अपने अब्बा को किसी मसाइल में डालने का शौक नहीं है। अब मुझे फोन आ कीजिए। फैसल, खाना लग गया है, चलो मेरे साथ। मुझे नहीं खाना। क्या हो गया है फैसल? वो कोई दुनिया की आखिरी हसीन लड़की नहीं थी। तुम देखना बेटा, मैं तुम्हारे लिए बड़े घराने की हसीन लड़की से तुम्हारा रिश्ता करूंगी। इसे रिश्ता कराना नहीं, लड़का बेचना कहते हैं। मुझे तो लग रहा है जिस तरह आप मेरी बोली लगा रही हैं,
कितना कमतर फील कर रहा हूं मैं आज, और नूर मुझे अपने सामने इतनी बड़ी लग रही है जब से उसने मुझे बेधड़क ठुकराया। आपके MBA क्वालिफाइड बेटे को अम्मी, जिस पर आप फख्र करती थी, औकात याद दिला दी उसने मुझे मेरी। मगर फैसल बेटा, वो एक बदजुबान और ऐसे लोगों को बदजुबान नहीं, बोल्ड, कॉन्फिडेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। जब से उसने मुझे आईना दिखाया, मैं उससे मुनरिफ होने के बजाय उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा हूं। सूफिया, शाकरा, अरे कहां हो भाई तुम लोग? सूफिया, अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। अरे ये सूफिया और शाकरा कहाँ हैं? ओह खाला जान, वो दोनों तो बाहर गई हैं। अब बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रुको मेहरो, क्या बात है, फिर शाकरा ने कुछ कह दिया? नहीं खाला जान, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब बैठे ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। मेहरो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम अपने दिल की बात मुझसे कर सकती हो बगैर किसी खौफ के। क्या बात है? वो खाला जान, वो दरअसल मेरी बहन का रिश्ता खत्म हो गया, बहुत सख्त परेशान है। हम तो जानते हैं ना, इस तरह से रिश्ता खत्म हो जाए तो क्या होता है। ना ना बेटा, ना ना ना, 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 ना।